हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शरफ दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं ये बहुत ही प्यारा सा एक नेटो प्लेट। बेसिकली दोस्तों आप सभी की डिमांड रहती है कि भैया कोई हमें एक ऐसा नेटो प्लेट दिखाइए जो कि टू वे हो, यहाँ पे हम उसके अंदर स्पीकर भी कनेक्ट कर सकें और लॉन्ग लाइफ रहे, साथ के साथ यहाँ पे नेटो प्लेट जले ना। और यहाँ पे कनेक्शन मैं एक बताऊंगा कैसे करते हैं नेटो प्लेट की, वो भी आपको इस वीडियो में पता लगेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन हम करेंगे नॉर्मल जो सिर्फ एचएफ के साथ एक नेटो प्लेट लगाई जाती है और यहाँ पे हमारे स्पीकर के साथ जो नेटो प्लेट लगाई जाती है, दोनों में क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी टेस्टिंग करने वाला हूँ और वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भी आप यहां पे देख सकते हैं हमारे इस बॉक्स पैकिंग, और बॉक्स पैकिंग पे आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ATI Pro की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, क्रॉस ओवर नेटवर्क। इसका मॉडल नंबर दोस्तों ATI 915 यानी 915 के नाम से इसको जाना जाता है। टू वे क्रॉस ओवर यानी दोस्तों बेसिकली ये यहाँ पे आप एक HF कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही इसके अंदर आप एक स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी पावर रेटिंग मैं बताऊँ 300 से लेके यहाँ पे 800 वाट तक के आप इस पे स्पीकर कनेक्ट करिए। यहीं अगर दोस्तों आपको इसको HF तो HF की पावर रेटिंग है 40 वाट से लेके यहाँ पे 110 वाट तक का HF जो है वो आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ दोनों को। और कमाल की बॉक्स पैकिंग है, कुछ अलग ही करके दिखाया है यहाँ पे ATI Pro ने। चलते हैं दोस्तों फटाफट से यहाँ से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें कैसे नेटो प्लेट देखने को मिलता है। और ये आ जाता है कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों ये आपकी नेटो प्लेट निकल चुकी है बिल्कुल चमकती धमकती हुई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा पास से दिखाता हूँ उसका क्लोज लुक। तो दोस्तों भी आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटो प्लेट, और नेटो प्लेट पे आपको क्या क्या डिटेल है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको ATI Pro की ब्रांडिंग और मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। पार्ट्स की क्वालिटी को आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल ऑडियो यहाँ पे कॉपर कॉयल आपको देखने को मिल जाती है, पूरी एक जैसे हैवी लुक में आपको मेंशन कर रखा है। यहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलती हैं जो कि रिपीटराइज्ड है, यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये रिपीट के अंदर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप मान के चलिए कोई भी आप नेटो प्लेट देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल मार्केट के जनरल, तो वो आप देखते हैं जैसे हीट होते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये पूरा रिपेयराइज्ड करा गया है, और जितने भी इसके अंदर रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जितने भी इसके अंदर पार्ट्स यूज करेंगे वो सारे के सारे हैवी क्वालिटी में रखे गए हैं। तो यहाँ पे ओवरहीटेड भी अगर ये नेटो प्लेट होती है, चाहे इसका PCB हो चाहे इसके कोई भी पार्ट हो, तो वो कभी जलेंगे नहीं, यहाँ पे अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, इस चीज़ का इसमें ध्यान दिया गया है। और ये पूरे एल्युमिनियम के अंदर रखा गया। बेसिकली दोस्तों आप देखते हैं किसी किसी नेटो प्लेट में आपको बस ऐसी जितने भी पार्ट्स हैं वैसे लगा के दे दिए जाते हैं, यहाँ पे हीट रेसिस्टेंस का कोई भी इसके अंदर इंतजाम नहीं करा जाता। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पार्ट इसके अंदर ओवर हीटेड होते हैं तो उन पर ये एल्युमिनियम की आपको सिंक चढ़ा के दे दी जाती है। इससे बेसिकली होता क्या है कि जो हीट होती है वो बहुत ही जल्दी से यहाँ से थ्रो आउट हो जाती है। तो ये दोस्तों बेसिकली आप क्वालिटी को देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के सॉकेट्स के। ये दोस्तों इनपुट है, जैसे इसके ऊपर आपको ये शो भी देखने को मिला था कि ये ब्लैक है या प्लस या माइनस है, और नीचे भी आपको ऑनबोर्ड देखने को मिल जाता है। ये टर्मिनल सॉकेट्स क्वालिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। कॉपर यहाँ पे इसके अंदर यूज करा गया है। जस्ट उसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों ये आ जाता है स्पीकर के लिए आउटपुट, यानी इस पर आप स्पीकर अपने 300 से लेके 800 वाट तक का स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मेंशन दे रखा है। यहीं दोस्तों अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है HF ड्राइवर के लिए, तो आप यहाँ से HF ड्राइवर का आउटपुट ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको पावर रेटिंग बता चुका हूँ 40 से लेके यहाँ पे 110 वाट तक का आप HF कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लिए यहाँ पे आपको नेटो प्लेट की क्वालिटी, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इसकी पैकिंग की क्वालिटी कुछ अलग लगा होगा, यहाँ पे कंपनी ने कुछ अलग करके आपको दिखाया है। और जेन्युइनली यहाँ पे मैं कहूँगा कि कंपनी ने काफ़ी मेहनत करी है इस नेटो प्लेट के ऊपर। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर जितने भी पार्ट्स इसके अंदर यूज़ करे गए हैं सब में आपको ATI Pro की ब्रांडिंग तो देखने को मिलाती है। PCB बोर्ड की जो प्रिंटिंग है बहुत ही प्यारी यहाँ पे अच्छी करी गई है। बाय चांस अगर कोई भी पार्ट्स हीट होता है तो यहाँ पे आपकी जो प्रिंटिंग है उसमें कोई भी आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों ये जितने भी आपको कोने पे आपको होल देखने को मिलते हैं तो इसके अंदर आपको ये सॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जब आप यहाँ पे कसेंगे तो ये PCB बोर्ड टूटेगा नहीं। और चलते हैं दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग देखते हैं। तो टेस्टिंग दोस्तों मैं यहाँ पे आउटडोर में करने वाला हूँ, तो दो मॉनिटर में यहाँ पे रखने वाला हूँ। कैसे करने वाले हैं टेस्टिंग और कैसे कंपैरिजन करेंगे हमारे नॉर्मल जर्नल मार्केट के,
नेट्रो प्लेट से। चलिए मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसी है क्वालिटी, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा सेटअप और यहाँ पे कैसे कैसे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ वो थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नेट्रो प्लेट पे नज़र मारिए और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा HF हो गया, हमारा LF हो गया यानी स्पीकर, और हमारा इनपुट हो गया जो कि हमारा इधर से आ रहा है। तो ये जो आप देख सकते हैं स्पीकर और ये HF, तो ये HF है और ये गाइस ये HF में जा रहा है। HF है हमारा 450। तो यहाँ पे ये आप HF को देख सकते हैं कुछ ट्रिक्स टाइप से लगा हुआ है। और ये आ जाता है हमारा LF यानी हमारा स्पीकर के लिए, और ये हम इधर से लेके जाके फिर हम इधर डाल देंगे। और ये आ जाता है हमारा स्पीकर का कनेक्शन जो कि 800 वाट का है, 4 इंची डबल वाइंडिंग में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसे मैं यहाँ पे पूरा मटेरियल को अंदर फिट करके दिखाता हूँ और साथ में हम दिखाते हैं हमारे कंपैरिजन वाले में विदाउट LF को दिए हुए नेट्रो प्लेट को ओनली HF वाले को कैसे क्वालिटी देता है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा नॉर्मल वाला यानी 450, हमारा HF भी है वो 450 है। तो ये 450 है, सेम पावर के लिए मैंने यहाँ पे ये नेट्रो प्लेट यूज़ कर रहा हूँ। इसके कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये वाली जो वायर है ये तो हमारे डायरेक्ट जो है वो स्पीकर को दे दी जाएगी यहीं पे आप देख सकते हैं, और ये वाली वायर हमारी इनपुट हो रही है यहाँ पे, और ये देख सकते हैं ये है HF ग्रीन, तो ये HF में गया है, ये है इनपुट और ये इनपुट होके। बाकी मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ, ऐसी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ से आपको क्या लगेगा कि एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ कौन सा नेटवर्क कौन सी क्वालिटी दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, तो जैसे कि आपको देख पा रहे हैं ये आता है हमारा ATI Pro वाला। तो यहाँ पे एक बार ये नेट्रो प्लेट भी आप देख सकते हैं, ये आ जाता है हमारा ATI Pro, ये लगा हुआ है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रेडी हो चुका है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है मार्केट का जर्नल, तो ये आ जाता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा इनसाइड दिखा देता हूँ, अंदर से दिखा देता हूँ थोड़ा आपको क्या क्या सामान देखने को मिलता है। तो आइए आप मेरे साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर एम्पलीफायर लगा रखे हैं हमने, दोनों को फुल कर रखा है। बाकी मैं यहाँ से कंट्रोल कर लूँगा, कंट्रोल मेरा करने का मतलब ये है कि इस साइड से मैं लेफ्ट राइट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेन का आपको बटन दिख रहा है, तो ये पेन हमारा ये आपका हो जाएगा और ये लेफ्ट एंड राइट आपका इधर उधर उस साइड जा सकता है। तो इससे क्या रहेगा कि आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि क्वालिटी किसकी अच्छी आ रही है और यहाँ पे किसकी क्वालिटी कैसी आ रही है, उससे आपको अंदाजा होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और रिकमेंडेशन हुआ, अभी आप ये क्वालिटी सुनना चाहते हैं तो हेडफोन लीड हो, ईयरफोन हो, ईयरबड्स हो, कुछ भी हो लगा लीजिए, लेफ्ट राइट मैंने दिखाया। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा इस नेट्रो प्लेट ने, और बेसिकली दोस्तों मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एक मॉनिटर में मैंने मार्केट का जर्नल नेट्रो प्लेट यूज़ करा था और एक मॉनिटर में मैंने यहाँ पे यूज़ करा था अपना ATI Pro का नेट्रो प्लेट। और बेसिकली दोस्तों यहाँ पे इस नेट्रो प्लेट से पहले मैंने कभी भी 2-way या 3-way नेट्रो प्लेट यूज़ नहीं करी है, और यहाँ पे मेरे इसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक दो पॉइंट और बताना चाहूँ तो इससे पहले मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन आपको नहीं देता था, चाहे आप मुझे पर्सनल मैसेज करते थे, चाहे
ऐप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे नीचे कमेंट्स में ज़रूर आप मुझसे पूछते कि भैया यहाँ पे हम क्या टॉप के साथ या फिर मोनिटर के साथ नेट्रो प्लेट यूज़ करें, टू वे या थ्री वे। तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं करता था। उसका रीज़न ये था कि दोस्तों यहाँ पे मार्केट में उस हिसाब के नेट्रो प्लेट होते नहीं थे, और जब आप मार्केट विजिट करते थे तो यहाँ पे आपको जो सेलर्स होते थे वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के आपको नेट्रो प्लेट दे दिया करते थे। उससे क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे नेट्रो प्लेट तो जलती ही जलती थी, जब आप यहाँ पे लाइव साउंड करते थे, चाहे वो डीजे करें चाहे लाइव साउंड करें, तब आप प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे, यहाँ पे नेट्रो प्लेट उड़ी। इसका मतलब आपके स्पीकर तो सेफ है लेकिन यहाँ पे काम तो आपका रुका। तो ये चीज़ होता है कि दोस्तों यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देता था, लेकिन दोस्तों इस नेटवर्क प्लेट के साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इसने मुझे परफॉर्मेंस, साथ में जो इसकी पार्ट की क्वालिटी है और पीसीबी बोर्ड की क्वालिटी है, उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस करा। तो दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ आपको यहाँ पे ये टू वे नेटवर्क प्लेट, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी तरफ आप ज़रूर से ज़रूर जा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ये कहाँ से अवेलेबल होगा, तो दोस्तों यहाँ नीचे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ADI Pro का कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। और भी सारे नेट्रो प्लेट हैं, उसकी भी मैं आपको एक एक करके वीडियो दे दूंगा। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की नेट्रो प्लेट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे मार्केट में रिसर्च करके फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन नेट्रो प्लेट लेके आऊँगा। बाकी दोस्तों अभी तक मैं आपको टू वे में रिकमेंडेशन बिल्कुल दे देता हूँ। यहाँ पे अब ATI Pro का 915 यूज़ कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। प्राइसिंग डिटेल यहाँ मैंने बता दिया आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फ़ोन नंबर पे कॉल करिए, अपने स्ट्रीट का डीलर का एड्रेस ले लीजिए और वहाँ से प्राइसिंग भी आपको पता लग जाएगी। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई, मेहनत लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब की, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।